दीज आर ए टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट यू कैन से। यहाँ देखो यहाँ क्या है, नींबू लाइम, ये क्या है पोटैटो आलू, ये क्या है ब्रिंजल बैगन, ये क्या है मैंगो आम, और ये क्या है पॉमग्रेनेट अनार। अब आप कहोगे एडजेक्टिव आप पढ़ाने जा रहे हो लेकिन इनसे क्या मतलब है, मतलब है ये एडजेक्टिव क्यों, मैं दिखाऊंगा क्यों एडजेक्टिव इससे रिलेटेड होगा, क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है ना वह नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव क्या होता है देखो, एडजेक्टिव आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, विशेषण को हम संज्ञा विशेषण भी कहते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है, अब देखो अभी हम लोग उसको लिखना सीख लेंगे कि क्या होता है डिफिनेशन, लेकिन डिफिनेशन बाद में, पहले आप ये देखो कि जो नींबू है क्या है लाइम, ये है नाउन, और नाउन कैसा है नींबू कैसा है पीला है, आलू पोटैटो ये कैसा है ब्राउन है, ब्रिंजल बैगन कैसा है ब्लू है, मैंगो कैसा है ग्रीन है या येलो है, पॉमग्रेनेट कैसा है रोजी है या रेड है। अब देखो इसकी कैसे हम एडजेक्टिव बताते हैं, नींबू कैसा पीला, नींबू कैसा हरा, नींबू कैसा सफ़ेद, यानी कि नींबू की जितनी विशेषता आप बता सकते हो वो सब के सब एडजेक्टिव होंगे। अब एडजेक्टिव क्या होंगे, कौन कौन से एडजेक्टिव होंगे और एडजेक्टिव का यूज कैसे किया जाएगा, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एडजेक्टिव हम लोग पूरा देखेंगे। देखो हमने कहा नींबू कैसा तो आपने कहा पीला, पोटैटो कैसा तो ब्राउन या रेड, तो ये जितना आप बता रहे हैं ना कलर जितना बता रहे हो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अभी मैं कहूँगा कितना नींबू तो आप कहोगे कि थोड़ा नींबू, यानी कि सम कुछ नींबू। मैंने कहा कितना नींबू कितना लाइम तो आप कहोगे मेनी बहुत नींबू। मैंने कहा कितना तो आपने कहा कि ये नहीं मतलब कोई नींबू, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। थोड़ा यानी कि सम मेनी मच मोर मोस्ट, आप जब मात्रा बताओगे ना तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, और जब इसकी क्वालिटी बताओगे ना तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। अगर आपने कहा कि नहीं दो मैंगो है, टू मैंगोज थ्री मैंगोज फोर मैंगोज फाइव मैंगोज, तो आप गिन लिए ना, या फर्स्ट मैंगोज सेकेंड मैंगोज, फर्स्ट मैंगो सेकेंड मैंगो थर्ड मैंगो, या आपने ये कह दिया कि नहीं ये जो है नेक्स्ट मैंगो लास्ट मैंगो, तो आपने नंबर बताया ना टू मैंगो थ्री मैंगो फोर मैंगो, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। अगर आपने कहा कि नहीं ये इंडियन मैंगो है, ये बिहारी ब्रिंजल है, और ये कानपुरी पोटैटो है, और ये चाइनीज़ लेमन है, तो जब किसी स्थान के नाम से किसी देश के नाम से या किसी के नाम से जब बनाते हो ना इसकी विशेषता बताते हो, कौन सा आम खाओगे तो कहोगे इंडियन आम खाएंगे, कौन सा ब्रिंजल खाओगे तो बिहारी ब्रिंजल खाएंगे, कौन सा लेमन खाओगे तो चाइनीज़ लेमन खाएंगे, तो लेमन कौन सा चाइनीज़, मैंगो कौन सा इंडियन। तो जब आप इसकी नाम लेकर की विशेषता बताओगे तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव होगा, ठीक है प्रॉपर एडजेक्टिव। अभी क्या है आप कह दो कि मेरा अनार, ये कहे नहीं तुम्हारा आम, हमने कहा नहीं उसका ब्रिंजल, हमने कहा कि सबका पोटैटो, तो इसका मतलब जब अधिकार बताओगे मेरा मेरा है मेरा मेरा आम है तुम्हारा आम है उसका आम है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अभी हम लोग डिटेल में लिख करके देखेंगे, पहले इसको समझ लेंगे। तो आपने क्या देखा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर प्रॉपर एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव। अभी मैंने कहा कि प्रत्येक आम खट्टा है, आपने कहा कोई आम खट्टा नहीं है, मैंने कहा कि सब आम खट्टा है, तो प्रत्येक यानी कि ईच एवरी ये जो होंगे, ईच एवरी एनी ये जो होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे, क्योंकि आपने बांट दिया ना प्रत्येक आम, ईच मैंगो एवरी मैंगो अगर आपने कह दिया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद जब आप कहते हो कि नहीं वह आम, किसी ने कहा नहीं यह आम, किसी ने कहा वो आम, तो आप दिखा रहे हो ना डेमोनस्ट्रेट कर रहे हो, तो डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। डेमोनस्ट्रेट मतलब होता है दर्शाना या दिखाना, यह आम यह वाला यह यह आम यह आम यह आम, तो डेमोनस्ट्रेट कर रहे हो तो डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा।
अगर किसी ने कहा कि मेरा खुद का आम है, उसका खुद का नींबू है, उसका खुद का अनार है, तो ये इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। हमने कहा कि कौन सा आम, आपने कहा कि कौन सा नींबू, कैसा नींबू, तो आपने जब कौन सा नींबू बताया, कौन सा आम कहा, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो कुल 10 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं ये देखो, तो एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन आर प्रोनाउन, नाउन आर प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव होता है वो क्वालिफाई करता है, किसको क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन को। जैसे हमने कहा कि मीठा आम, कैसा, हमने कहा स्वीट, स्वीट मैंगो, मीठा आम। तो स्वीट मैंगो, ये स्वीट क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। आपने कहा कि सम मैंगो, सम मैंगोज, सम मैंगोज, सम मैंगोज, तो इसका मतलब कि थोड़ा आम, थोड़ा का मतलब गिनती में है लेकिन करेक्ट नहीं पता है कि कितना है, तो ये गिनती में है तो क्वांटिटी हो गया, मात्रा हो गया, क्वांटिटी कितना है, तो थोड़ा आम है, यानी कि थोड़े आम है। किसी ने कहा कि थ्री मैंगोज, तो इसका मतलब कितने आम है, तीन आम है, तो आप गिन लिए, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। किसी ने कहा कि इंडियन मैंगो भारतीय आम, तो भारत के नाम से जाना गया, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। किसी ने कहा हिज मैंगो, उसका आम, उसका पजेशन बता रहा है, यानी कि अधिकार को बता रहा है, तो पजेसिव एडजेक्टिव, ये कौन सा हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। किसी ने कहा कि इच मैंगो प्रत्येक आम, इच मैंगो, तो इच ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, प्रत्येक आम, एक एक आम, तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। किसी ने कहा कि यह आम, दिस मैंगो, किसी ने कहा कि वह आम, दैट मैंगो, तो दिस मैंगो को दिखा रहा है ना, डेमोनस्ट्रेट कर रहा है, तो ये डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। किसी ने कहा कि विच मैंगो कौन सा आम, विच मैंगो कौन सा आम, तो ये क्वेश्चन कर दिया ना, तो जब क्वेश्चन कर दिया तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब अगर मान लो किसी ने कह दिया कि यह तो मेरा खुद का आम है, ओन मैंगो, तो खुद का कह दिया ना, तो इम्फेसाइज कर लिया, तो इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। और किसी ने कहा कि व्हाट मैंगो कौन सा आम, कैसा आम, व्हाट अ मैंगो, व्हाट अ मैंगो, तो ये हो गया एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की विशेषता देखो क्या होता है, जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के बगल में होता है, जितने एडजेक्टिव हैं सब के सब नाउन के बगल में हैं। तो क्या जितने एडजेक्टिव होते हैं सब नाउन के बगल में ही होते हैं, ऐसा नहीं है। एडजेक्टिव दो तरह से यूज किया जाता है, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है और एक एट्रीब्यूटिव यूज होता है एडजेक्टिव का, और एक प्रेडिकेटिव यूज होता है। तो प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है, एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है, इसको जान लेने के बाद हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है और एडजेक्टिव का सही से यूज करना भी हम लोग देखेंगे। जैसे देखो, अगर मान लो ऐसा हो गया, आई फाउंड अ येलो मैंगो, तो ये देखो जो येलो लगा है ना, ये मैंगो के बगल में लगा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये जो है ऑब्जेक्ट है, आप कह सकते हो कि ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, तो प्रेडिकेट में यूज हुआ है, लेकिन ये प्रेडिकेटिव यूज नहीं है, इसको हम एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे, एट्रीब्यूटिव यूज। क्यों एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे,
क्योंकि ये नाउन के बगल में लगा हुआ है। अभी देखो, अभी मैं कह दूं ए ब्लाइंड मैन मेट मी, एक अंधा आदमी मुझसे मिला, तो आदमी कौन सा? अंधा, यानी कि अंधे की आदमी की क्वालिटी क्या है? अंधे होने की। तो ये नाउन के बगल में है, तो ये भी एट्रीब्यूट यूज है। कौन सा यूज है? एट्रीब्यूट यूज है। एट्रीब्यूट यूज है। अब प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है? एट्रीब्यूट यूज को जानो कि जो नाउन के बगल में रहेगा, चाहे वो सब्जेक्ट के स्थान पर रहे या ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहे, अगर नाउन के बगल में है तो एट्रीब्यूट यूज है, अगर नाउन के बगल में नहीं है तो एट्रीब्यूट यूज नहीं है। प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है। अब देखो, जैसे हमने इस तरह से कह दिया, दिस मैंगो इज कैसा है? एलो। दिस मैंगो इज एलो, यानी कि अब जो एडजेक्टिव है ना, वो अकेले आया है, यानी कि नाउन के पहले नहीं आया है, नाउन के साथ नहीं आया है, तो इसको हम प्रेडिकेटिव यूज बोलेंगे, यानी कि जब अकेले होता है। जैसे ही इज ब्लाइंड, वह अंधा है, तो जो अंधा है ना, ये भी उसकी विशेषता बता रहा है, ही की विशेषता बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन प्रेडिकेट में अकेले यूज किया है, विदाउट नाउन के यूज किया गया है, तो ये प्रेडिकेटिव यूज है। अच्छा, जितने भी एडजेक्टिव होते हैं, सारे एडजेक्टिव तो आप जानते हो, कभी कभी क्या होता है, कुछ एडजेक्टिव बनाए जाते हैं, जैसे वर्ब से जो एडजेक्टिव बनते हैं उन्हें वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मान के चलो कि ये नींबू है ना, ये नींबू देखो, ये गिर गया। अब गिर गया तो इसको हम उठाएंगे, और जब उठाएंगे तो हम कहेंगे कि किसी ने पूछा कौन सा नींबू है, तो आप कहोगे गिरा हुआ नींबू है। तो गिरा हुआ का मतलब क्या, इसको हम बोलेंगे फालेन, यानी कि फाल माने गिरना, तो हो जाएगा फालेन, यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म को एज एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे, फालेन लाइम, गिरा हुआ नींबू। जैसे आप शर्ट पहने हो और आपका शर्ट मान लो येलो है, रेड है, ब्लू है, वाइट है, कैसा भी है, लेकिन पता चला कि थोड़ा सा फटा हुआ है, तो टियर माने होता है फाड़ना, और हम इसको कहेंगे टॉर्न शर्ट। कौन सा शर्ट? टॉर्न शर्ट, यानी कि फटा हुआ शर्ट, तो इसको हम वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। अब एडजेक्टिव आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने तरह से यूज किया जाता है। तो अगर कोई पूछता है कि कितने प्रकार से यूज किया जाता है एडजेक्टिव, तो आप कहोगे कि एडजेक्टिव दो तरह से यूज किया जाता है, एक एट्रीब्यूट यूज होता है और एक प्रेडिकेटिव यूज होता है। अब बात आता है कि एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है, तो आप कहोगे एडजेक्टिव 10 प्रकार का होता है। कौन कौन सा एडजेक्टिव होता है, सारे एडजेक्टिव को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा एडजेक्टिव होता है। जैसे जो पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या है, जैसे आप इसमें जितनी क्वालिटी आप बताओगे, क्वालिटी का मतलब क्या कि इसकी क्वालिटी के बारे में, जैसे सुंदर है तो छोटा है, मोटा है, पीला है, बड़ा है, स्वादिष्ट है, तीखा है, कड़वा है, जितनी क्वालिटी आप बता सकते हो। जैसे नींबू को आपने बताया एलो, तो एलो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। इसी को आपने बताया छोटा, तो स्मॉल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। इसको आपने कह दिया ब्राउन, तो ब्राउन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। आपने कहा कि तीखा लगता है, ये तीखा लगता है आलू, आलू तीखा तो लगता नहीं है, स्वीट बोल देते हैं, मीठा लगता है, यानी कि स्वीट। ब्रिंजल कैसा लगता है, चलो ये तीखा लगता है, तो बीटर। और ये ब्रिंजल दिखता कैसा है, तो आप कहोगे ब्यूटीफुल। अब मैंगो है, तो मैंगो कैसा लगता है, तो आप कहोगे कि मीठा लगता है। दिखने में कैसा लगता है, तो दिखने में ग्रीन है, हरा दिखता है। अगर ये जो पॉमग्रेनेट है, ये कैसा है, तो आप कहोगे कि रेड है,
रेड नहीं कहा, किसी ने कह दिया रोजी है, है ना। अगर इसी को हम कह दें कि टूटा हुआ पॉमग्रेनेट, तो ब्रेक माने होता है तोड़ना, तो हो जाएगा ब्रोकेन, ये भी एडजेक्टिव है ब्रोकेन। जैसा कि मैं अभी बताया जो वर्ब से बनता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा करके उसे हम वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। तो ब्रोकेन है यानी कि टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, गिरा हुआ है, सड़ा हुआ है, रोटेन, रोटेन सड़ा हुआ, सड़ा हुआ है तो रोटेन हो जाएगा। जैसे तुम तो बहुत मोटे हो, फैट हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। वो तो बहुत दुबली है, थीन हो जाएगा। यानी कि अगर हम कह दें कि ये जो है ना, ये जो आलू है ये बड़ा छोटा है यार, तो छोटा का मतलब हो जाएगा स्मॉल, स्मॉल लिखे हैं ना, स्मॉल लिखे हैं। तो अगर कुछ भी, अगर आप इसकी क्वालिटी को बारे में बताते हो ना, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देखो, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देखते हैं। तो दूसरा जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कह सकते हो, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब क्वांटिटेटिव का मतलब ये हो गया कि आपको गिनना नहीं है, अगर गिनोगे तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया कि देखो ये 5 फ्रूट हैं, सब तो फ्रूट हैं नहीं, इसमें वेजिटेबल्स भी हैं और फ्रूट्स भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपने गिन लिया, इसको 5 है, 4 है, 2 है, 3 है, 1 है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे कि थोड़े सब्जी तो है, तो हमने कहा नहीं नहीं बहुत सब्जी है, तो किसी ने कहा नहीं कुछ सब्जी है, तो किसी ने कहा कि नहीं थोड़ा है, कुछ है, बहुत है, यानी कि सम, सम, सम मीन्स क्या होता है थोड़ा, मेनी, मेनी मीन्स क्या होता है बहुत, ए लॉट ऑफ मीन्स क्या होता है अधिक, ए लॉट ऑफ है ना। एनी, एनी का मतलब होता है कोई, और देखो कौन सा हो जाएगा, जैसे नो, नो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मच, मच हो जाएगा, सफिशियंट, सफिशियंट, एनफ, एनफ मीन्स होता है पर्याप्त, होल, होल का मतलब पूरा का पूरा, ठीक है। ये जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कह सकते हो। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में मतलब गिनती आप कर सकते हो। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में दो होते हैं, एक डिफिनिट एडजेक्टिव होता है, एक इनडिफिनिट होता है। डिफिनिट एडजेक्टिव मतलब जो निश्चित होता है, डिफिनिट जो डिफाइन कर देते हैं, इसको निश्चित कर देते हैं, डिफिनिट एडजेक्टिव। डिफिनिट एडजेक्टिव में कौन कौन आ जाएंगे, देखो एक आ जाएगा आपका कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल, कार्डिनल का मतलब करेक्ट, करेक्ट है ना, जो करेक्ट करेक्ट आपको बता सके, कार्डिनल एडजेक्टिव। अब कार्डिनल एडजेक्टिव का मतलब कि जो गिना जाए, यानी कि जैसे आपने कहा कि 5 फ्रूट्स हैं, 5 कितना है 5, तो 5 को क्या हो गया कि ये कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया, और कार्डिनल में कौन सा डिफिनिट हो गया। किसी ने कहा कि नहीं इसमें तो दो ही सब्जियां हैं, तो हो जाएगा 2, 2 वेजिटेबल्स। किसी ने कहा नहीं 3 है, तो 3 हो जाएगा, 3। किसी ने कह दिया कि नहीं 4 फ्रूट हैं, तो 4 हो गया। तो कहने का मतलब है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितना गिन सको आप ना गिन सकते हो, वो सब के सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएंगे। याद रखना 3 मैंगोज होगा, 4 मैंगोज होगा, यानी कि ये नाउन से पहले यूज किए जाएंगे। इसमें जो दूसरा होता है तो इसमें कार्डिनल है ए, और बी हो जाएगा ऑर्डिनल, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अब ऑर्डिनल एडजेक्टिव में कौन आएंगे,
जो कार्डिनल नहीं रहेगा, एक दो तीन नहीं गिन पाओगे। आप उधर से कहोगे कि फर्स्ट ये है और लास्ट ये है, तो फर्स्ट फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही होगा, इसमें ही आएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। ये याद रहे, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से ये दिया जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ही आएगा। बस आपको ये थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं कि ये कार्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है। आपने कहा कि लास्ट में तो अनार है, लास्ट यानी कि लास्ट में पॉमग्रेनेट है, लास्ट। तो आप किसी ने कहा कि नहीं, ये जो है ना अगला वाला है, इधर से जब देखोगे तो आगे ये है, तो हो जाएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला वाला हो जाएगा। अगर कोई कहेगा कि नहीं उधर से आप गिनोगे ना, तो ये लास्ट में पड़ेगा, ये लास्ट में, तो हो जाएगा लास्ट। अच्छा लास्ट तो है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, है ना। आप जितना ऐसे करते जाओगे फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ, ये सब ऑर्डिनल एडजेक्टिव में आ जाएंगे। और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अगर करोगे तो वो कार्डिनल में आ जाएंगे। अब इसमें आता है, इसी में ये डेफिनिट हो गया, एक इंडेफिनिट आता है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। इंडेफिनिट एडजेक्टिव में जैसे आप गिनने के लिए तो गिनोगे, इसको गिनोगे, लेकिन आप गिन नहीं पाओगे तो भुला के कह दोगे कि अरे थोड़ा सब्जी हमने लिया है, तो सम हो जाएगा। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ना, ये सब आ जाएंगे इंडेफिनिट में। सम हो जाएगा, मेनी हो जाएगा, मच हो जाएगा, मोर हो जाएगा, मोर हो जाएगा, एनफ हो जाएगा, ये सब के सब इंडेफिनिट एडजेक्टिव में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो नेक्स्ट है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव, चौथा है प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। देखो जैसा कि नाम से पता है ना, प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत का मतलब होता है किसी का नाम। जैसे मान के चलो ये नींबू है ना, नींबू को आपने कहा कि ये भारत का नींबू है, तो आप इसे बोलोगे इंडियन, तो इंडियन लाइम, यानी कि इंडियन कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। आपने कहा कि ये कौन सा, ये आलू कहाँ का है, तो आप बोलोगे कानपुर का, तो हो जाएगा कानपुरी, कानपुरी, कानपुरी पोटैटो, कानपुरी पोटैटो का मतलब कानपुरी आलू। किसी ने कहा तो फिर बैगन कौन सा है, तो आप कहोगे चाइनीज बैगन है, चाइनीज, तो चाइनीज क्या हो गया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, चाइनीज ब्रिंजल। आम कौन सा, तो आप कहोगे अमेरिकन मैंगो है, अमेरिकन, अमेरिकन, यानी कि किसी भी नाम से आपने अगर बोल दिया ना, जैसे मान के चलो कि अनार कौन सा है, तो आप बोलोगे कि ये तो गोरखपुरिया अनार है, गोरखपुर, गोरखपुर का है, तो गोरखपुरिया, है ना। तो ये जो हो जाएंगे, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव कब होते हैं, जब किसी प्रॉपर नाउन से नामकरण आप करते हैं तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव को हम अधिकारवाचक कहेंगे। अधिकार, पजेशन मीन्स होता है अधिकार। जैसे ये नींबू है ना, जैसे आप लोग हो, आपने मार कर लिया कि मेरा नींबू है, मेरा नींबू। मैंने कहा नहीं नहीं उसका नींबू है, उसका नींबू। किसी ने कहा नहीं तुम्हारा नींबू है, तुम्हारा नींबू, तो उसका, मेरा, तुम्हारा, है ना, सबका, यानी कि किसी का, जब आप अधिकार के रूप में आप कहोगे ना, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि नहीं ये तो माई लाइम है, मेरा नींबू है, माई, माइन नहीं, माइन और प्रोनाउन है, माई लेमन है। आपने कहा नहीं पोटैटो जो है ना, ये जो है हमारा है, जो पोटैटो है वो हमारा है, आवर्स नहीं, केवल आवर, हमारा है। किसी ने कहा कि ये जो ब्रिंजल है ना, उन लोगों का है, तो आपने कहा देयर, तो देयर, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। आप ये जो मैंगो देख रहे हो ना,
मैंगो कहो कि नहीं ये तो रमेश का मैंगो है, यानी कि उसका मैंगो है, तो हीज। किसी ने कहा नहीं 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 ये जो अनार है ना उसका है, यानी कि सरिता का है, तो हर है ना। किसी ने कहा कि नहीं ये जो फ्रूट है ना ये लकड़ी के हैं, लकड़ी के, यानी कि इट्स, इट्स हो जाएगा। वंस भी इसमें आता है, वंस पजेसिव एडजेक्टिव। अब इसका थोड़ा सा यूज देखते हैं। जो वंस होता है ना ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। जैसे मान के चलो कि मैं अपने घर जाता हूँ, मैं अपने घर जाता हूँ, तो हो जाएगा आई गो टू माई हाउस होगा, ये माई हाउस, ठीक है। अगर हम अपने घर जाते हैं तो वी गो टू आवर हाउस होगा, यहाँ माई हाउस नहीं होगा, आवर हाउस होगा। ये वाला ध्यान देना है, वी के अकॉर्डिंग आवर लगा। अगर वे लोग अपने घर जाते हैं तो दे गो टू देयर हाउस होगा, देयर हाउस, देयर हाउस होगा, ठीक है। अगर मान लो वह अपने घर जाता है, ही गोज टू हीज हाउस होगा। अगर वह अपने घर जाती है तो ही गोज टू हर हाउस। अगर मान लो कि सरकार अपने घर जाती है या सरकार अपना काम करती है, सरकार के लिए इट्स का प्रयोग करेंगे, या कुर्सी ने अपना काम कर लिया है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग के लिए इट्स का प्रयोग किया जाएगा। जैसे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डज इट्स वर्क हो जाएगा, इट्स वर्क, ठीक है। और कोई अपने कर्तव्यों को करता है तो वन, या किसी को अपना कर्तव्य करना चाहिए तो वन शुड, वन शुड डू, वंस ड्यूटी होगा यहाँ पर, वंस ड्यूटी। तो जो एग्जाम में पूछता है वो ज़्यादातर ये वाला पूछता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है डेमोनस्ट्रेटिव, डेमोनस्ट्रेटिव, डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोनस्ट्रेट, डेमोनस्ट्रेट मीन्स होता है दर्शाना, दिखाना, बताना। जैसे हमने कहा कि यह नींबू जो है ना, यह मैंगो, यह पॉमग्रेनेट, यह ब्रिंजल्स, यह पोटैटो, आप दिखा रहे हो ना यह वाला, यह, तो हो जाएगा दिस, दिस हो जाएगा। आपने कहा कि वह वाला, वह लाइम, वह पोटैटो, वह ब्रिंजल्स, वह मैंगो, दैट 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 दैट, तो दैट जो हो जाएगा, दैट जो हो जाएगा डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आपने कहा नहीं ये 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 ये, दीज दीज दीज, आप दिखा रहे हो तो दीज। आप कहोगे वो, दोज 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 दोज, तो हो जाएगा दोज। आपने कहा सच, ऐसा ऐसा, आप दिखा के कह रहे हो सच, सच मीन्स होता है ऐसा। द सेम, वैसा ही, जैसा है ना जैसा ही, द सेम, द सेम, ये जो होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आ जाएंगे। इसमें सर्टेन, सी ई आर टी ए आई एन, सर्टेन, और ए सर्टेन भी याद रख लो, ये भी इसी में आते हैं, सर्टेन और ए सर्टेन, इटीसी, ठीक है। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब इंट्रोगेशन का सेंस आएगा, प्रश्न पूछने का सेंस आएगा। आपने कहा कि कौन सा नींबू, मैंने कहा कि किसके पापा, है ना, तो कौन सा नींबू, यानी कि विच, विच। किसी ने कहा कि किसके पिता, तो हुज फादर, हुज फादर। हमने कहा कि अरे क्या, ये कौन सी किताब, व्हाट बुक, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में। नवा जो होगा इम्फैटिक, इम्फैटिक एडजेक्टिव, इम्फैटिक एडजेक्टिव या इम्फेसाइजिंग, इम्फेसाइजिंग
एडजेक्टिव, इम्फैटिक या इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इसमें दो ही आते हैं, ओन और वेरी, ये दोनों आते हैं। इसका यूज कैसे किया जाता है, इम्फेसाइजिंग करने के लिए, यानी कि दबाव बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा और मतलब प्रेशराइज करने के लिए। जैसे आई सा, आई सा दिस, आई सा दिस एक्सीडेंट, एक्सीडेंट विथ 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 माई वेरी आइज, वेरी आइज। तो यहाँ जो वेरी है ना, वो देखो नाउन से पहले यूज किया गया है तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और कौन सा एडजेक्टिव का, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एडजेक्टिव में कौन सा है, इम्फैटिक एडजेक्टिव है। दसवां है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव में व्हाट, विच और हाउ आते हैं, हाउ आते हैं। जैसे ऐसे देखो, जैसे व्हाट, व्हाट अ बिल्डिंग, व्हाट अ बिल्डिंग इट इज, व्हाट अ बिल्डिंग इट इज, ठीक है। अब इसको ऐसे भी कह सकते हो, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, यू आर। तो मुझे लग रहा कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव कितने प्रकार का हो, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पढ़ने वाले हो तो, नहीं पढ़ने वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को मित्रों में शेयर करो और अपने लाइक भी कर लो। और क्या पहले तो मैं बोल ही नहीं पाया, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।